वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपकर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाईटेक वाहन चोर चढ़े क्राइम ब्रांच के हत्थे। इलाहाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 ऐसे हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है जो लग्जरी गाड़ियों को मिनटों में लॉक खोलकर उड़ा लेते थे। पकड़े गए लोगों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 5 लग्जरी कार भी बरामद हुई हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इटावा के रंजीत, कानपुर का आदित्य, फिरोजाबाद का आरिफ, इलाहाबाद का शिबू और फिरोजाबाद का ही शहनशाह। ये 5 लोग इतने शातिर हैं कि लग्जरी कारों के शीशे पर टेप चिपकाकर उसे काट देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके गाड़ी का लॉक खोलते और मास्टर की से उसे स्टार्ट करके लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। नारकोटिक्स महावीर सिंह और सर्वलांस प्रभारी संजय सिंह, एसओजी गंगापार के प्रभारी मनोज सिंह लग्जरी गाड़ियों को चुराने वाले गैंग के पीछे पड़ी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कैंट इलाके में घेराबंदी करके इन 5 चोरों को पकड़ लिया। पूछताछ में लोगों ने गाड़ियों को चुराने का तरीका और उसे बेचने का पूरा जुगाड़ पुलिस को बता दिया। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी चोरी की बरामद कर ली हैं। पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास है और कई शहरों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इसके एक आरोपी जो लखनऊ में होटल भी है जहां चोरी की योजनाएं बनाई थी। आइए सुनाते हैं सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, SSP प्रयागराज ने और क्या बताया। प्रयागराज में चोरियों को और ख़ासतौर से वाहन चोरी को लेकर के प्रयागराज पुलिस महीनों से हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे थे। कई सारी गाड़ियों हम लोगों ने इस मध्य में बरामद भी की और इसी बीच में हमने 20 तारीख को देखा कि शहर में अचानक कई सारी लग्जरी गाड़ियों की चोरी हुई हैं। तभी से हमारी टीम सक्रिय थी, हमने इसको चुनौती के रूप में लिया था और हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग सूत्रों के माध्यम से टीमें लगा करके रखी थी। इस क्रम में जब हमें सूचना मिली कि कुछ वाहन चोर हैं जो लोग और भी गाड़ियों को चुराने की प्रयास कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं, तो टीम जा करके उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में उसके बाद से उन्होंने बताया कि और भी गाड़ियां उन्होंने जो चुराई हैं उनको कहाँ रखी है। इस तरह से टोटल 5 गाड़ियाँ उन्होंने बरामद करवाई। वो गाड़ियाँ हैं व्हाइट कलर की, एक फॉर्चूनर है, ब्रेजा है, इको स्पोर्ट्स, क्रेटा और सफारी गाड़ियाँ हैं जिसके जो बरामद हुई हैं। पूछताछ के क्रम में और भी उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो लोग कैसे लग्जरी गाड़ियों के लॉक सिस्टम को, डिजिटल लॉक सिस्टम को ब्रेक करने में उन्होंने महारत हासिल की थी। उन्होंने जो भी इसके लिए जो डिवाइस थे, टेक्नोलॉजी थी, उसका उपयोग किया। इसके अलावा गाड़ी के जो शीशे हैं वो ब्रेक ना हो इसके लिए भी वो लोग एक प्रयास करते थे। ये भी था कि गाड़ी के शीशे वो लोग कैसे निकालते थे। उनकी एक प्रॉपर तैयारी होती है कि इन गाड़ियों को कैसे चुराया जाए, फिर कैसे ले जाया जाए बाहर, फिर इन गाड़ियों के डिस्पोजल करने के लिए भी इनकी एक व्यापक तैयारी रहती थी कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो दुर्घटनाग्रस्त हैं उन गाड़ियों को ले लिया जाए और उन गाड़ियों का जो नंबर प्लेट है, उनके जो कूटरचित कागज हैं वो बनवा करके और उसके बाद से उस गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर बेचा जाए। यह एक इंटर स्टेट गैंग है जो यहाँ पर प्रयागराज में, प्रयागराज के अलावा बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इवन वेस्ट बंगाल, कई सारे स्टेट्स में लोग सक्रिय हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें और भी गाड़ियाँ मिलेंगी और भी अभियुक्त जो कुछ मुख्य अभियुक्त अभी भी बचे हुए हैं उनको भी हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में आज आम आदमी पार्टी प्रयागराज महानगर कार्यालय में उत्तर प्रदेश सह प्रभारी अभिनव राय व आप छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने मीडिया संघ प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि रोजगार गारंटी पद यात्रा के प्रभारी होंगे अभिनव राय। वहीं योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ ठगी करने का काम योगी सरकार ने किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान की योगी सरकार के कार्यकाल को पूरा होने में महज 8 माह शेष हैं। जो सरकार 2017 में नौजवानों को हर साल 13 लाख नौकरियां और 90 दिनों के अंदर सभी सरकारी रिक्तियों को भरने के नाम पर नौजवानों का वोट लिया था, किंतु सत्ता में आते ही अपने किए हुए वादे से मुकर जाते हैं। पिछले 4.5 सालों में प्रदेश के करोड़ों नौजवानों को विभिन्न भर्तियों के आवेदन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया गया और आवेदन शुल्क के जरिए सरकार ने मोटी धन उगाही करने का काम किया।
दुबे ने कहा, उत्तर प्रदेश में लगातार नौजवानों के मुद्दों को आम आदमी पार्टी की छात्र विंग और सांसद संजय सिंह प्रमुखता से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब अब सरकार को 5 साल पूरा होने में महज 7 माह बचा हुआ है, लगातार प्रदेश के नौजवानों को इश्तिहारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, नौकरियों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उनको ठगा गया, आवेदन लिया गया, लाखों करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए, लेकिन भर्ती मिली सिर्फ 0। यूपी ट्रिपल एससी की 12 भर्तियां आज भी लंबित पड़ी हुई हैं। जेई 2016-2018 में 2-2 बार आवेदन लिया गया नौजवानों से, लेकिन आयोग उनकी परीक्षा कराना भूल जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा वैकेंसियाँ, बड़ी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं, उन तमाम नौजवानों के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जो लगातार पूरी प्रमुखता से, पूरी मुखरता से आवाज़ उठा रही है, 1 जुलाई 2021 को आज़ाद पार्क प्रयागराज से एक रोजगार गारंटी पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों से हम अपील करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बैनर के साथ, आप अपने पर्चे के साथ इस पदयात्रा में शामिल होइए। सुबह 8 बजे 1 जुलाई को माननीय राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और पूरे 10 दिन की पदयात्रा, ये 10 दिन का कवर करते हुए लखनऊ में पहुंचेगी, जहां पे उत्तर प्रदेश के जितने भी नौजवान इस पदयात्रा में शामिल होंगे, उनके जो भी मुद्दे होंगे उसको एक ड्राफ्ट बनाकर हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मिलने का भी काम करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज की करेली थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया, जहां करेली थाना के करामत चौकी पर एक ट्रक से लदे मार्बल को अनलोड करते वक्त हुआ हादसा। मार्बल अनलोड कर रहे 3 मजदूर मार्बल के बीच दबे, घायल। मदरसे में लगने के लिए मार्बल आया था, पास में ससुर खदेरी नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों को लेबर काम करने के लिए बुलाया गया था। घायल में से एक व्यक्ति का नाम मुंडा 24 वर्ष, दूसरा व्यक्ति का नाम भंवर 34 वर्ष, ये लोग शंकरगढ़ NTPC के पास से रहने वाले थे। खबर मिलते ही घटनास्थल पर परिजन तुरंत पहुंच गए। एक के पैर में मामूली चोट आई है, 2 मजदूर गंभीर चोट आई है। घायलों को तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर हॉस्पिटल भेजा है और मौके पर पुलिस मौजूद है। संगम नगरी प्रयागराज में करैली की बदहाल सड़कें और गड्ढा युक्त सड़कें, जहां पर हल्की सी बारिश के बाद जलभराव हो जाता है और आने वाले जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, वहीं आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने सूबे के मंत्री और शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब कोई भी विधायक चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्र में नहीं जानना चाहता, न झांकना चाहता है, जिसके वजह से क्षेत्र बड़े बुरे हाल हैं और हम ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम इस पे ख़ास तौर से काम करेंगे और जनता को बदहाली से निजात दिलाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का। देखिए, आज की तारीख में तो हालात सभी नेताओं के ये हैं कि नेता बनने के बाद 5 साल कोई अपने क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करता है। किसी एक घर में चले गए तो चले गए, वरना किसी गरीब के घर में जाना कोई नहीं पसंद करता है। और आज ऐसी ऐसी शहर दक्षिणी में ऐसी ऐसी गलियां हैं, ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर नालियां नहीं बनी हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, कुछ जगह तो ऐसी है कि लोगों के पास अंदर गलियों में जाने के लिए रास्ते तक टूट गए हैं, नालों के किनारे बहुत सारे मोहल्ले जो बने। तो हम लोग इन सब मुद्दों को नोट कर रहे हैं और हम लोग इन सभी चीज़ों पर अपनी सरकार बनने के बाद हम लोग तेज़ी से काम करेंगे। और जिस तरह से दिल्ली में हम लोगों ने हर जनता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, वैसे ही हम लोग उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां खाद सामग्री के रेट आसमान छूने लगे थे, मगर शहर जैसे ही अनलॉक हुआ वहां पर रेट भी समान हुए। जहां रिफाइन 160 पार हुआ तो फिर 140 के आसपास आ गया, वही मगर अभी भी ग्राहकों की कमी है दुकानों पर। दुकानदारों का कहना है कि जो सेल होती थी हमारी दुगनी, वो 75% कम हो गई है। लोगों के पास पैसे की परेशानी है, समस्या है, लोग दुकानों पर उस तरह से ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं और परेशानी लोगों की बढ़ी हुई है।
सेल देखिए तो महंगाई तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन इन सेल पर तो असर पड़ा है लोगों के पास। यानी कि अभी कोरोना के वजह से परेशानियां हो रही है लोगों के पास, गंदा पानी इसलिए कमज़ोर है तो हम लोगों के ऊपर भी असर आ रहा है, इसलिए तो दिक्कत तो होती है। सेल और थोड़ा सा रेट वोट का मसला है, वो तो भी ठीक ही ठाक उसके वजह से हुआ है। तो पेमेंट तो पेमेंट तो भाई जैसे थोड़ा कुछ तो हम जब हमारे ऊपर असर आएगा तो थोड़ा सा तो इनके ऊपर असर आएगा। तो किस तरह की आपकी सेल हो गई है पहले से? तो पहले से तो हमारे समझ में आता है कि 75% यानी कि हो गई, जो 100% होती थी वो 75 हो गए, 50% हो गई, इस तरीके का सेल हो गया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। संगम नगरी प्रयागराज का ये इंदिरा भवन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसी बिल्डिंग में पीडीए का मुख्यालय भी है, जहाँ बड़े से आला अधिकारी यहाँ आते जाते रहते हैं, मगर शायद कोई को दिखता नहीं है कि यहाँ पर किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। ना चेहरे पर दुकानदारों के मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। भीड़ का तो आलम यह है जिसका कुछ कहना नहीं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग एकदम फ्री होके खड़े हैं, ना ही चेहरे पे मास्क है दुकानदारों के, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। मानो जैसे इनको कोरोना का खौफ ही नहीं, या कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस पे अधिकारी अब क्या एक्शन लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में नैनी स्थित फूड प्लाजा के मालिक मनोज कुशवाहा के घर में इंडियन रॉक पाइथन यानी 12 फीट लंबा अजगर दिखाई पड़ा, जिसके बाद पूरा घर दहशत में आ गया। पूरे घर एकदम घबरा सा गया, काफ़ी भारी भरकम और तकरीबन 12 फीट ये लंबा अजगर काफ़ी ताकतवर भी था। इसे पकड़ने में आज काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी जा रही थी, वहीं पर इसके लिए उन्होंने अंकित टार्जन से संपर्क किया। तत्काल अंकित टार्जन वहां पर पहुंचकर 12 फीट लंबे अजगर को किसी तरह से काबू करके रेस्क्यू किया और ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। यहाँ अभी जो है तो अजगर निकला हुआ था, मैंने कॉल किया अंकित टार्जन को, अंकित टार्जन तुरंत आए वहाँ पे 10 मिनट के अंदर और उन्होंने उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके जो है तो सांप काफ़ी बड़ा था, नियर अबाउट जो है तो 10 से 12 फीट का था, उसको उन्होंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके जो है तो हम लोग इसको छोड़ने आए हैं अरेल घाट पे। फ्रेंड्स, अभी मुझे फ़ोन आया था नैनी से, जो कि वहाँ पर फूड प्लाजा से, और मनोज जी ने मुझे फ़ोन किया। मेरा एक फ्रेंड आशीष निषाद जो कि नहीं आ पाया, कॉल मैंने उससे किया और मैंने रेस्क्यू का वीडियो नहीं बना पाया, मैंने रिलीज़ का वीडियो बनाया है जो कि इंडियन रॉक पाइथन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इंडियन रॉक पाइथन जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इंडियन रॉक पाइथन देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।